एक बार एक बौद्ध भिक्षु एक गांव से गुजर रहे थे। उस गांव के कुछ लोग उन बौद्ध भिक्षु को देखकर उनके पास आते हैं और उनसे कहते हैं, महात्मा जी कृपा कर कुछ देर इस वृक्ष के नीचे बैठकर विश्राम करें। उस गांव में एक बहुत बड़ा बरगद का वृक्ष था जिसके नीचे हमेशा छांव रहती थी। गर्मियों का समय था, बहुत सारे पक्षी उस पेड़ पर बैठे चहचहा रहे थे। वे बौद्ध भिक्षु उन गांव वालों की बात मानकर उस वृक्ष के नीचे बैठ जाते हैं। वे गांव वाले भी उन भिक्षु के पास बैठ जाते हैं। उन बौद्ध भिक्षु के चेहरे पर एक अलग सी चमक थी, एक अलग सी शांति थी, जिसे देखकर गांव वालों के मन में जिज्ञासा पैदा होती है। वे गांव वाले उन बौद्ध भिक्षु से पूछते हैं, आपके चेहरे पर ये जो प्रसन्नता, ये जो आनंद झलक रहा है, इसके पीछे का कारण क्या है? क्या आप भी गौतम बुद्ध की तरह परम सत्य को पा चुके हैं? वे बौद्ध भिक्षु कहते हैं, नहीं, मैं अभी परम सत्य के मार्ग पर हूं। वे गांव वाले उन बौद्ध भिक्षु से पूछते हैं, फिर आप इतने प्रसन्न और आनंदित कैसे दिख रहे हैं? वे बौद्ध भिक्षु कहते हैं, क्योंकि मैं बुद्ध का शिष्य हूं और परम सत्य मुझसे ज्यादा दूर नहीं है। बुद्ध ने कहा है, परम सत्य हमारे भीतर है, उसे कहीं बाहर खोजने की कोई आवश्यकता नहीं है, इसलिए मैं प्रसन्न हूं। वे गांव वाले उन बौद्ध भिक्षु से पूछते हैं, महात्मा जी आप तो बुद्ध के शिष्य हैं, आपने अपना सब कुछ त्याग कर परम सत्य को अपना लक्ष्य बना लिया है, आप धन सुख ऐश्वर्य इन सभी चीजों से परे हैं, आपके जीवन में दुख नहीं है क्योंकि आपने दुख के सभी कारणों को त्याग दिया है, परंतु हम अपने जीवन के दुख को कैसे खत्म करें क्योंकि हम ना तो अपना परिवार छोड़ सकते हैं और ना ही भिक्षु बन सकते हैं, क्या हमारे भाग्य में खुशी नहीं है? वे बौद्ध भिक्षु कहते हैं, तुम भी अपने जीवन में खुशी ला सकते हो। वे गांव वाले उन बौद्ध भिक्षु से पूछते हैं, परंतु कैसे महात्मन? वे बौद्ध भिक्षु उत्तर देते हैं, सही आचरण अपना कर। वे गांव वाले उन बौद्ध भिक्षु से पूछते हैं, ये सही आचरण क्या होता है महात्मन? वे महात्मा उत्तर देते हैं, अपने बारे में अच्छा सोचना, किसी दूसरे के बारे में बुरा सोचे बगैर, प्रसन्नता और आनंद को चुनना क्रोध को चुनने की बजाय, किसी दूसरे से उम्मीद रखने की बजाय अपने ऊपर विश्वास रखना, ईमानदार होना और अपनी खुद की नजरों में एक अच्छा इंसान बनना, दूसरों को बदलने की बजाय खुद को बदलने का प्रयास करना, ये सभी एक अच्छे आचरण के स्तंभ हैं। अगर आप वास्तव में बुद्ध को समझना चाहते हैं, उन्हें जानना चाहते हैं, तो यह ईबुक आपको अवश्य पढ़नी चाहिए, क्योंकि इस ईबुक में मैंने गौतम बुद्ध के पूरे जीवन को और उनकी शिक्षाओं को बहुत ही आसान शब्दों में प्रस्तुत किया है। इस ईबुक को लिखने के पीछे मेरा उद्देश्य है कि मैं आपको वास्तविक बुद्ध से मिलवाऊं, क्योंकि बुद्ध की शिक्षाओं को या तो समझा ही नहीं जा सका है या फिर उन्हें मिलावट के साथ समझा गया है, जिसके कारण लोग वास्तविक बुद्ध से चूक गए हैं।